अभी हो रहा है 10 बजे का टाइम। मैंने जो है हमारे रेसर पिजन्स इनको बाहर छोड़ा हुआ है, ये तो घूम रहे हैं। तो ऐसा करते हैं मैं चल के बर्ड्स को एक बार देख लेता हूँ। इनको दाना यहाँ पे डाला था। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लालू पुनी का बच्चा का है। हाँ यार, वो बच्चे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और यहाँ मेरे शेफ चिली भी और बाकी हमारे सारे के सारे जो बर्ड्स हैं बिल्कुल ठीक है। पानी पूरे डालने वाले ख़त्म किया हुआ है, बस यहाँ का काम तो बंद है। हमारे टीचर भी यार सब खुश है, वैसे बहुत आजकल बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है। अयान भी आ गया है, आ जाओ यहाँ पर है हमारे 40 सिंड्रेला। इनके पास बहुत ज़्यादा ही तमाशे की आती है। वो 40 सिंड्रेला दोबारा बैठी हुई है, उसको दोबारा अंडा दे ही देना है जल्द। यहाँ पर हमारे बच्ची सारे ठीक है, और कॉकटेल ठीक है, घूमते थे कभी दाना पानी पूरे चलो देख लेते हैं। दाना भी पूरा है और वो पीछे पानी भी उनका पड़ा ही हुआ है। कुत्ते सही मस्ती कर रहे थे, सुबह इनकी चीखें होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अहमद नसीर। मेरा नाम है नसीर। आज एक बैड न्यूज़ है, इतनी कोई बड़ी बैड न्यूज़ नहीं है, छोटी सी बैड न्यूज़ है। उसके लिए पहले हम बुलाते हैं अपने डॉन को, जिनको तो हम ला नहीं सकते। दोनों की मैं आपको कहानी बता देता हूँ, जाओ ले कर आया ही होगा बस, अभी आई होगा। हाँ, ये कबूतर का खोल लेते, सोती तो रहती पता होता है नहीं, सुबह सुबह खोले थे। डॉन ऊपर आ गया, इसके साथ किंग नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया, इसको जरा उस तरफ तो लेके चले। उधर किधर भाग रहे हो, उधर चलो, उधर चलो ना, उधर चलो। इसने ऐसे एक जगह पर टिकना ही नहीं है, चलो थोड़ा सा दाना डाल देते हैं। चलो तो इसके साथ किंग इसलिए नहीं आया क्योंकि किंग हमने किसी को दिया है, कुछ दिन के बाद वापस ले आएंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक मुर्गी है, मुर्गा है नहीं, हमने बच्चे निकलवाने के लिए लेने, हमें कुछ दिन के लिए दे दें, तो हमने उनको दे दिया है। वो बस महीने या फिर 2-3 महीनों में आ ही जाएगा वापस, तब तक हमारे पास ये डॉन है। और मेरी मुर्गियाँ कब वापस आएंगी? हाँ वो भी आ ही जाएंगी कभी ना कभी। तो डॉन तुम कहीं परेशान तो नहीं हो कि किंग कहाँ पे चला गया? हाँ नहीं हो, परेशान भी नहीं होना, वो आ जाएगा कुछ दिन बाद। ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते हैं ऐसे के लिए। परेशान हो गए कि नहीं बताओ, बता दो। नहीं, हाँ कह रहे नहीं है ना, हम लोग इसकी बातों को समझते हैं। हाँ और ये क्या, तुम लड़ाई करके आए हो जो हमारे पाँव थोड़े से खून वाले हुए पड़े हैं? हाँ बताओ। नहीं गंदे, हाँ गंदे लग रहे मुझे, खून गंदे हैं। अच्छा इसका मतलब लड़ाई नहीं करके आए। चलो अब अकेले रहोगे लेकिन खुश जरूर रहना। ये यहाँ पर दाना खा लेते हैं, तब तक एक और बैड न्यूज है यार, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो वाली बैड न्यूज ये है कि भैया मास्टर केन में आपको पिकाचू नहीं नजर आ रहा होगा। 3-4 दिन से मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया नहीं कि हमारा जो पिकाचू है वो भाई घर से भाग गया है, लेकिन वो कहीं गुम नहीं हो गए, हमें नज़र आता ही है। एक जगह है वहाँ पर वो रहता है, तो मैंने आपको बताया नहीं, मैंने कहा कि वहाँ पर करीब ही है, हम उसको किसी ना किसी तरीके से पकड़ ही लेंगे। लेकिन आज भाई तो मैंने सोचा है कि आज मैं आपको बता ही दूँ, और आपको इतनी सारी बैड न्यूज़ बता दी है, एक गुड न्यूज़ तो बनती है, वो ये है कि ये जो हमारे दिनेश है ना,
ये मैं समझता था कि दोनों मेल निकल आए हैं, लेकिन अभी मुझे समझ आ चुकी है कि ये इनमें से एक फीमेल है और इन दोनों ने अपना जोड़ा लगा भी लिया है। तो अब इनके कुछ दिन में क्या आ जाएंगे? बच्चा। हाँ, अंडे बच्चे दोनों। कोई इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये खुड्डी में क्यों नहीं बैठा हुआ? पता नहीं, बड़ा हो गया ना खुड्डी से। अभी हाँ, ये लालू की तरह बन गया यार पूरा, देखा है ना जैसे ये है लालू। अरे गाम कितने खत्म किया है, कह रहे मैं तो थोड़ा सा रह गया। खाओ 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 खाओ, चलो बस खा लिया ना, अब तुम्हारी बस है, अब बाय चलोगे। मैं दाना खा के रखता। अरे कुछ नहीं कहता, दरवाजा खोलो फातिमा। ये चीज हमने क्यों नहीं की यार? तो यार आज दो बैड न्यूज है, एक मैंने आपको गुड न्यूज दे दी है। तो इसी के साथ आज के वीडियो का कर देते हैं। मेरी एक बात तो सुन लो। हाँ? जा हमारी उल्टी फुल्टी दुनिया है ना, स्नैच फिर से दे दिया। अच्छा तो आज के लिए हम तीनों को इजाजत दे दीजिए।